बदीन से रिपोर्ट कर रहे हैं सावन खास खेली। डिप्टी कमिश्नर बदीन अब्दुल फत्ताह लियो की जेर सदारत दरबार हॉल में डिस्ट्रिक्ट पोलियो एरिडिकेशन कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में गुज़िश्ता पोलियो मुहिम और 26 फरवरी से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम के इंतजाम का जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर बदीन ने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम की कामयाबी का इन्हिसार जामिया माइक्रो प्लान पर है। बेहतर माइक्रो प्लान से इंसदाद पोलियो मुहिम को 100% कामयाब बना सकते हैं। उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर दीन मोहम्मद डेरो को हिदायत की कि वो पोलियो के नुकसान के बारे में आगाही देने के लिए समाजी तंजीमों के साथ आगाही मुहिम सेमिनार्स और वाक करें। उन्होंने कहा कि आगाही पैदा करने के लिए स्कूलों में तकारीर और टेबलोस पेश किए जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान लेडी हेल्थ वर्कर्स का किरदार काबिल तहसीन है। लेडी हेल्थ वर्कर्स बच्चों की सेहत के लिए घर घर जाकर दूर दराज के देही इलाकों में बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। दौरान ड्यूटी उन्हें कई मुश्किल का सामना भी करना पड़ता है। उन्होंने महकमा पुलिस के ऑफिसर को हिदायत की कि वो ट्रांजिट पॉइंट्स पर मौजूद पुलिस अहलकारों को ड्यूटी पर मौजूद रहने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोकने में पोलियो टीम की मदद कराएं। इजलास में एन स्टॉप ऑफिसर डॉक्टर मंजूर मेमन ने तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पोलियो मुहिम के दौरान पैदाइश से 5 साल तक के 4,26,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 1219 मोबाइल टीमें, 102 फिक्स्ड साइट, 73 ट्रांजिट पॉइंट टीमें शामिल हैं।